तो वेलकम टू माई चैनल। अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि कल मैंने जो ट्रेड किया था अपने वीडियो में, मैंने बताया था कि कोलगेट पॉलमोली मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने कल इसको बाई किया और कल कोई भी मूवमेंट इसमें देखने के लिए नहीं मिला। वीडियो में मैंने साफ साफ ये बता दिया था कि अगर ये 2% विद इन डे गेन कर लेता है तो मैं अपना पोजिशन काट के प्रॉफिट बुक कर लूँगा, अगर नहीं करेगा तो मैं इसकी डिलीवरी उठा लूँगा। तो ये पूरा दिन साइडवेज रहा और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने के लिए मिली, तो अभी तक इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, मैंने डिलीवरी उठा लिया है और आशा है कि जल्दी ही 3-4 दिनों में बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल जाए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी डिलीवरी उठा ली है हमने। अब बात करते हैं निफ्टी और 50 की। तो देखिए निफ्टी और 50 में जब ये वाली, इससे पिछली कैंडल यहाँ पे देखिए, ये वाली जब रेड कैंडल बनी हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोग आप जहाँ देखेंगे वहीं पे सुनेंगे कि अब तो कोलैप्स ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया है। लेकिन एक डेटा मैं आपको देता हूँ कि पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में जितने डीमेट अकाउंट थे उससे पहले वो लगभग डबल हो गए, इवन उससे ज़्यादा हो गए। ये लोग जो मार्केट में आए हैं ये क्या जानते हैं कि मार्केट बस जब ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है, नीचे जाता है तो नीचे ही जाता है। क्योंकि ये मार्केट में आए थे कोरोना के थोड़े से बाद, तो उस टाइम मार्केट एकदम कोलैप्स कर गया था एंड उसके बाद मार्केट वन डायरेक्शनली ऊपर चला गया, वी शेप में रिकवरी कर दिया, जो कि मार्केट का एक्चुअल चाल नहीं है। तो हो सकता है वो लोग कुछ पैसा बना लिए हों या आपके पास कुछ पैसा हो, तो अब थोड़ा सा स्मार्टली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे अब मार्केट अपना गेम खेलेगा, अपना रूप दिखाएगा, क्योंकि अब जो है मार्केट जब अपना रूप दिखाएगा तो वही होगा जो यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों में हुआ है। बिलीव मी, अगर आप बच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का कृपा है। नहीं तो देखिए यहाँ पे जब ये वाली बड़ी कैंडल बनती है, इसके बाद यहाँ पे गैप अप हो के एंड एक स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है शुरू में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर लॉन्ग हो गए थे, बहुत ज़्यादा बाई किए थे। क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली इस सपोर्ट लाइन पे आके इतनी बड़ी एंड हेल्दी कैंडल बनने का मतलब कि स्टॉक और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है और अपने इस हाई को ब्रेक करने वाला है। अब जब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए तो जो कैंडल वहाँ पे बनी एट द एंड ऑफ डे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसा अगर मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश था तो वहाँ पे वो कैंडल नहीं बनना चाहिए था एंड उसके रिजल्ट में उनके कपड़े यहाँ पे फाड़ दिए गए एक ही दिन में। जो 5% का गिरावट तकरीबन यहाँ पे आप देखोगे तो 5 दिन 6 दिन लगाता है उतना गिरावट आने में, 3-4 दिन लगाता है, वो एक ही दिन में वो दे दिया। एंड इसके बाद जब यहाँ पे ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं भैया अब जो है एकदम कोलैप्स हो जाएगा और नीचे के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मार्केट उतना आसानी से ना ऊपर जाएगा ना उतना आसानी से नीचे जाएगा। यहाँ पे जितने भी मेच्योर हैं उनके जेबें खाली करता रहेगा और अपने जेबें भरता रहेगा, यहाँ पे बस अब यही होगा। तो यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर बोला था कि देखिए मार्केट में मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ से हो सकता है ये रिटेलर्स को फंसाने की एक चाल हो और उसके रिजल्ट में आप देख रहे हैं ये वहीं साबित हुआ, ये नेक्स्ट कैंडल वहीं बता रही है। तो अब यहाँ पे देखिए निफ्टी को लेके मेरा व्यू क्या है, कोई भी अभी दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बट थोड़ा सा एक मार्केट देखिए कैसे चलता है, पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे ये इसी फेज में है। एंड यहाँ से मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट निगेटिव है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है या फ्लैट भी ओपन होके ऊपर जाना स्टार्ट करता है और थोड़ा सा सर्वाइव कर जाता है तो आपको एक अच्छा दिन देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होगा कि अब जो स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ से अगर गैप डाउन होता है या ओपन हो के फ्लैट नीचे जाना स्टार्ट करता है और सर्वाइव भी कर जाता है तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी हल्की फुल्की सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है।
जो कि मुझे लग रहा है कि जिसका चांस बहुत कम है। यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो एक गैप अप ओपन होगा या तो फ्लैट ओपन होके ऊपर जाके सरवाइव कर जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं अपने एक स्टॉक की। देखिए, एक इन्फो एज कंपनी है जिसको Naukri.com भी बोलते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लेवल पे लग रही है एंड बहुत ही अट्रैक्ट भी कर रही है। तो फिलहाल इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। एक इसमें देखिए बहुत ख़तरनाक कैंडल भी बना हुआ है जिसे आप बहुत निगेटिव कैंडल बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे चलेंगे कैंडल पे और देखते हैं कि ओके। तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक रेंज है। इस रेंज के ऊपर ये कैंडल जाके क्लोज हो जाता है एक 15 मिनट का, आप एंट्री बना के जा सकते हैं। एंड देखिए मेरा तो वे ऑफ ट्रेडिंग वही है कि मैं डिलीवरी उठाने के पर्पज़ से ट्रेड लेता हूँ एंड मैं ट्रेड लूँगा। अगर विथ इन डे मुझे 2% का अगर इंक्रीमेंट मिल जाता है तो मैं जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, नहीं तो डिलीवरी उठा लूँगा आने वाले 3-4 दिनों में। जो है लॉस बुक नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, आप लिवरेज यूज़ नहीं करेंगे, आप प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन चल करके चलेंगे, साइकोलॉजिकली एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, हालांकि पैसा उसमें आपको कम मिलेगा लेकिन लॉस नहीं होगा, जो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये मेरा व्यू है कि इसमें बाइंग बरा बाई करके चली जा सकती है, और विथ इन डे अगर मिल जाता है 2% का मूव तो फिर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, अदरवाइज़ डिलीवरी उठा लूँगा आने वाले दिनों में। देखिए इसके लिए ये जो है रेजिस्टेंस जोन है, तो ये इसी के आसपास मैं निकलने की कोशिश करूँगा, हालांकि एक अच्छा मुनाफा हो जाएगा तब तक। तो आज के लिए बस इतना ही, और कॉल पाल में मैं कोई भी डिसीज़न लूँगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।